बिहार में एक बार फिर चूहे सुर्खियों में बने हुए हैं। विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान अजीबोगरीब वाकयात देखने को मिला, जहां राजद के विधान पार्षद सुबोध कुमार राय एक जिंदा चूहा को पकड़कर पहुंच गए थे। इस दौरान विधान परिषद के गेट पर काफी देर तक चूहे को लेकर ड्रामा चलता रहा। सुबोध राय का साथ पूर्व सीएम राबड़ी देवी के साथ साथ कांग्रेस और राजद के सदस्यों ने भी दिया और सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की, साथ ही चूहे को सजा दिलाने की मांग भी की। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो चूहों पर ही दोष मढ़ दिया जाता है। बिहार में चूहे बांध काट देते हैं, थाने से शराब पी जाते हैं तो कभी फाइल कुतर देते हैं। कुछ साल पहले जल संसाधन विभाग का बांध टूटा था, तब तत्कालीन मंत्री ने कहा था कि चूहों की वजह से बांध टूटा है। नीतीश सरकार चूहों पर दोषारोपण करती है, इसलिए सजा दिलाने के लिए राजद के सदस्य चूहा लेकर पहुंचे हैं। चूहा पकड़ा गया, बांध काट दिया, तब बाढ़ आया गया, चूहा शराब पी गया, ट्रक चूहा शराब पी गया, चूहा ट्रक दवाई खा गया हॉस्पिटल के, और चूहा फाइल भी काटेगा, चूहा भी सब कर्म करेगा। अब बाकी चूहा पर डाला जाता है। ये जो सरकार अपराधी सरकार लुटेरा सरकार है, जो घोटाला पर घोटाला हो रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो चूहा पर पकड़ाया तो चूहा पर कार्रवाई होना चाहिए। मतलब आरोपी को आप लोगों ने पकड़ लिया? हाँ, तो आरोपी चूहा ले आए हैं, पकड़ के ले आए सजा दिलाने के लिए। तो सदन में भी इसको ले लीजिएगा, सुशील मोदी जी को कहेंगे किसकी सजा दिया जाए? हाँ, सजा दिया जाए, सभापति को कहेंगे, सभापति किसको पकड़ा गया आप बताते हैं, चूहा पर डालते हैं। इतना घोटाला हुआ तो चूहा पर आप फेंक दिए, अपना जिम्मेदारी नहीं निभाए, चूहा पर जानवर पर डाल जिसको उसको सरकार नहीं पकड़ रही, पुलिस नहीं पकड़ रही, जो सजा देना है बिहार के पुलिस ने नहीं पकड़ा, उसको आपने पकड़ा है, आपने पकड़ के लाया इस चूहा को जिसको सरकार नहीं पकड़ पाई, पुलिस नहीं पकड़ पाई, उसे आप पकड़। वही राजद विधायक ने कहा कि बिहार में बांध को खाने वाला, शराब गटकने वाला और अस्पताल में रखे स्लाइन पीने वाला अपराधी चूहा आज पकड़ा गया है। अब सरकार को चाहिए कि इस बदमाश चूहे को कड़ी से कड़ी सजा दे। आरजेडी सबको पकड़ लेगा, जितने हैं जितने घोटालेबाज सबको पकड़ने जा रही है आरजेडी। इसलिए चूहा को जो उन लोग का चूहा पर आरोप था, चूहा हम लोग पकड़ के लाए हैं। ठीक ठीक। चूहे को लेकर राजनीति तो पहले भी होती रही है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी ट्वीट करके चूहे का जिक्र किया था, लेकिन संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है जब विधानमंडल सत्र के दौरान कोई विधायक जिंदा चूहा लेकर विधान परिषद पहुंचा हो। इसके कारण भी है, इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं, इसलिए राजनीति तेज होने लगी है और राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन में वार पलटवार का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव सिटीज। कुमार सरम